हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसक्यूएल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक टायर दुकान में क्या क्या सामान रहता है उसके बारे में बताने वाला हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं आपके बगल में ये सामान रखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम पंचर पत्ता, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। और ये बड़ा गाड़ी में लगा सकते हैं, ट्रक के पंचर बनाने में ये सब यूज कर सकते हैं पत्ता। ये वाला है बाइक उमनी से जाता है, बहुत इस किस्म का इसमें आता है। ये बाइक में छोटे पंचर के लिए ये सब लगा सकते हैं, आप खोल के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ये इस तरह का रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह का रहता है। और ये हो गया सुलेशन फ्रेंड्स, इसका घसने के बाद इसको लगाया जाता है, पहले इससे घसा जाता है, इसको इसे घसने के बाद सुलेशन लगाते हैं। सुलेशन लगाने के बाद ये साटिए, छोटा पंप तो ये साटेंगे, बड़ा रहेगा तो ये साटेंगे। ये है ट्यूबलेस किट, ये है ट्यूबलेस किट है, ट्यूबलेस गाड़ी जो भी ट्यूबलेस टायर है उसका पंचर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका किट मैं दिखा देता हूँ, इस तरह का किट आता है इसका। और इसका हम ये रहता है, इसमें फंसाते हैं, आपको कभी वीडियो बनाकर दिखा दूँगा किस तरह किट बनता है उसके बारे में बता दूँगा। इसमें फंसा कर हम ट्यूबलेस इससे कांटे निकालते हैं या हल्का छेद करते हैं, बड़ा छोटा रहता है तो कीट नहीं घुस पाता है, तो हल्का छेद इससे करते हैं इससे। और ये है डाई, इसे हवा खोलने के लिए, डेल्फिन का हवा खोलने में, इसके ऊपर में एक वीडियो में सब इससे पहले बनाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो फ्रेंड्स। चलिए आप पार्ट्स हम बताते हैं कि एक टायर दुकान में क्या पार्ट्स रहना चाहिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मशीन, इसको टंकी हम बोलते हैं, और इसमें 300 तक पॉइंट हवा बन जाएगा। ये रेलवे का टंकी है, ये आपका बहुत जगह मिल जाएगा सर, और ये आपका कलकत्ता में मिल जाएगा अच्छे, बट देखना पड़ेगा, ठीक है। कलकत्ता में ये सब टंकी मिल जाएगा, रेलवे का टंकी है, 300 पॉइंट इसमें हवा बन जाता है फ्रेंड्स। इसको चक वेल्ड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये हो गया कंप्रेसर, 4.5 पिस्टन का ये कंप्रेसर है। और ये है मशीन, इंजन है, देख सकते हैं 5 HP का शायद है ये इंजन, 5.5 के आसपास ये इंजन है, और यही रहता है फ्रेंड्स। और ये सब रहता है फ्रेंड्स एक टायर, ऑलमोस्ट ये टंकी आपको कलकत्ता में पड़ जाएगा 10-12 हज़ार तक पड़ जाएगा। कंप्रेसर ये 8-9 हज़ार में पड़ जाएगा, और मशीन आपको निर्भर करता है कि नया लीजिए पुराना लीजिएगा, पुराना लीजिएगा 10-15 हज़ार में पुराना मिल जाएगा, नया लीजिएगा 25-25 हज़ार तक मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑलमोस्ट ये सेटिंग करने में, टायर पार्ट दुकान सेटिंग करने में लगभग 50-60 हज़ार रुपया करीब लग जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारा मशीन भी आता है, टायर खोलने के लिए मशीन भी आता है, आपको मैं मशीन का भी वीडियो बनाकर दिखाऊंगा किस तरह टायर का खोला जाता है नट, उस तरह का मैं दिखाऊंगा। और इसमें एक घसने वाला आता है टायर को अंदर से, वो भी हम आप लोगों को दिखाने वाला। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टायर से रिलेटेड बहुत सारा आप लोग वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत सारा चीज़ जानकारी आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे एक अच्छे न्यूज़ के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूँगा, बताने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।